देखो बेटा, अब हमें सीखना है पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक, ये एक स्ट्रिंग में एक साइन वेव हमने बताई है, तो साइन बाय साइन वेव, इसमें सोचो क्या होता है। इसमें जैसे हम लोग इनिशियली स्ट्रिंग ऐसी होती है, फिर हम लोग ये सोर्स पार्टिकल को एक ऑसिलेशन दे देते हैं, देखो एक ऑसिलेशन करा देते हैं, तो इसमें ऐसा पैटर्न बन जाता है, ये याद है ना, ऐसा पैटर्न बन जाता था। ठीक, या एक्चुअली में ऐसे देखें, मान लो अगर मैंने इसको ऐसे और ऐसे किया तो फिर पैटर्न ऐसा बनेगा, क्योंकि जब आप पहले ऊपर करोगे तो ये वाली पल्स बनेगी और फिर वो आगे बढ़ जाएगी और फिर तुम नीचे करोगे तो ये वाली पल्स बन जाएगी, तो ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो, अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब देखो ये हर पार्टिकल वाइब्रेट करने लगा, मतलब सारे पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई है ना। अब थोड़ा एक ऑसिलेशन और करा दो यहां पे, तो ये वाला पैटर्न जो है, देखो ये वाला पैटर्न वो यहां पहुंच जाएगा और यहां पे एक नया पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब रस्सी में यहां पे भी एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रस्सी के थ्रू, रस्सी में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इमेजिन कर सकते हैं आप, रस्सी में अगर मैं थोड़ी सी विड्थ बना दूं ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिखने लगेगा आपको, है ना। तो एनर्जी यार ट्रांसमिट किसके थ्रू होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया के ही तो थ्रू होगी, जो भी यहां पे बना लो उसके थ्रू एनर्जी ऐसे से जा रही होगी, क्लियर। तो रस्सी में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। अब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है मतलब हम बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम में कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, उसे हम बोल देते हैं पावर ट्रांसमिटेड। तो देखते हैं कितनी पावर इसमें ट्रांसमिट हो रही है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, पहले तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है, हमें पता है एफ डॉट वी। अब इस फॉर्मूले की विशेषता क्या है एफ डॉट वी की, कि वी उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है, पॉइंट ऑफ एक्स जिस पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, मतलब एक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है फोर्स का, उस पॉइंट की वेलोसिटी वी है और फोर्स एफ है, उनका डॉट प्रोडक्ट, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, तो चलो मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, देखो ये ऐसे डार्क दिख रहा होगा आपको, यहां पर टेंशन बनाओ बेटा, तो टेंशन यहां पर रस्सी के अलोंग होगी, तो ये रख देगी इस पे टेंशन। ठीक, कैसे, रस्सी के इस वाले पार्ट, ये वाले पार्ट पर टेंशन, ये वाला पार्ट लगाएगा तो अपनी तरफ ऐसे कीजिएगा, ये टी, तो ये लग गई टेंशन टी। अब देखो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो अब एक बात बताओ यहां पर स्लोप कैसा होगा, स्लोप तो यहां पर पॉजिटिव दिख रहा है, कैसे निकाला है स्लोप, देखो ये टेंशन टी है, इसी को आगे बढ़ा दो, तो ये देखो थीटा कैसा है, लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप यहां पे पॉजिटिव। अब आपको याद होगा वेव कहां जा रही, ये वेव वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो याद होगा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। तो अब यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो यहां पर जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वीपी वो होगी नीचे की तरफ, तो ये हो गई वीपी। अब ये थीटा है तो यहां से इसको लगा ये 90 होगा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल मैं बोल देता हूं अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा होगी, बाद में लिख देंगे, जगह नहीं है यहां पे। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, तो इसको करो तो पावर ट्रांसमिटेड आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा एफ, एफ मतलब टेंशन टी इंटू वी, वी क्या है ये ध्यान रखो, रखो वी पार्टिकल की वेलोसिटी, नहीं तो तुम वेव की वेलोसिटी लिख दो, समझ गया ना, ये वेव वेलोसिटी वी माना है मैंने, पार्टिकल वेलोसिटी को वीपी लिखूंगा, तो टी इंटू वीपी और कॉस ये वाला एंगल, तो कॉस अल्फा, अल्फा मतलब 90 माइनस थीटा, तो यहां पावर का फॉर्मूला आ गया टी इंटू वीपी इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग है ना इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, मतलब कुछ ऐसी पल्स है, देखो ऐसी 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 पल्स नहीं है जैसी मैंने यहां बना दी, ऐसी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, एम्पलीट्यूड बहुत कम के लिए ही हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, समझ गए ना, तो यहां एम्पलीट्यूड अगर बहुत छोटा होगा तो देखो स्लोप भी बहुत छोटा आएगा, मतलब जो एंगल आएगा वो बहुत छोटा आएगा, समझ गए, तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन ही है, हमें इसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन में ही इसको पूरे को पढ़ना है, तो यहां पे स्लोप अगर बहुत छोटा है तो इफ एम्पलीट्यूड, या छोड़ो यहीं पे लिख देता हूं, इफ एम्पलीट्यूड
इज वेरी स्मॉल देन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक, थीटा बहुत छोटा होगा, सो साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं थीटा, या इसी को बोल सकते हो टेन थीटा, और टेन थीटा तो यहां पे स्लोप हो जाएगा, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो इक्वेशन है इसकी, इक्वेशन ऑफ वेव लेट, ये तो होता ही है यार, वाई इक्वल ए साइन, क्या होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है वेव इक्वेशन, तो इससे आप लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी निकाल सकते हो, स्लोप, मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया, थीटा को टेन थीटा लिख दिया, वो स्लोप हो गया, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, ए माइनस का ए के और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये हो गया, अब बीपी को हम क्या लिखें, बीपी को देखना, यहीं से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल याद करो, वाई क्या होता है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो अगर यहां से देखो ये वेव जा रही थी, अगर ये इसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल स्टेट ये है वेव की, मतलब ऐसे बन रही है वेव, तो ये क्या है इसका, ये वाई है, क्या है वाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और इसका बीपी क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये तो स्लोप हो गया, बीपी पार्टिकल वेलोसिटी बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल टी, ये भी मैं बता चुका हूं, वाई का टी के साथ, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जबकि एक्स को कांस्टेंट लेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डेल वाई अपॉन डेल टी, इसको कर दो तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा देखो ध्यान से, ये बीपी का मैग्नीट्यूड आया है, अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कहां, नीचे है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां पर पी बराबर मैं लिख देता हूं टी, और बीपी की जगह पे मैं लिख रहा हूं देखो माइनस डेल वाई ओवर डेल टी, ठीक, इंटू साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और अब मैं सबकी वैल्यू डाल दे रहा हूं, तो देखो पी बराबर टी इंटू इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये है और माइनस ये है, तो आगे लगा दिया माइनस, तो डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू हो जाएगी डेल वाई अपॉन डेल टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये लिखी है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा ए के, तो देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे के आ जाएगा, और ये भी है, ये भी कॉस ही है, तो ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो देखो पी बराबर फाइनली पावर ट्रांसमिटेड आ गया टी ए स्क्वायर ओमेगा के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गई, चलो इतना बंद कर देते हैं। देखो ध्यान से इसमें टी को हटा दो, तो टी, अब हमें पता है वेव वेलोसिटी वी बराबर होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, तो इससे टी बराबर हो जाएगा आपका म्यू इंटू वी स्क्वायर, सही है, यहां पे टी की जगह रख दो म्यू इंटू वी स्क्वायर, और के को भी हटा दो, ऑल्सो के बराबर याद होगा ओमेगा अपॉन वी, सही है, के, ये तो के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट ओमेगा अपॉन वी, तो यहां पे पावर ट्रांसमिटेड फॉर्मूला आ जाएगा पी बराबर टी की जगह म्यू इंटू वी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है इसका, समझ गया ना, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के की जगह पे ओमेगा अपॉन वी, और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो थोड़ा सा टी बी से एक स्क्वायर खत्म हो गया, तो पी का फाइनल फॉर्मूला जो लिख रहे हैं म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर अब ये तो पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया, हमें एवरेज पावर ट्रांसमिशन चाहिए, क्या चाहिए हमें, एवरेज पावर ट्रांसमिशन। अब एवरेज का मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो जब ये स्ट्रिंग पूरी ऐसी थी और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें एक पल्स बना दी, हमने इसमें एक पल्स जनरेट कर दी, तो ये वाली सिचुएशन बन गई, ये वाली, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ पर सेकेंड, तो पावर ट्रांसमिशन का एवरेज वैल्यू हमें निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे,
तो एवरेज निकालने के, एवरेज पावर ट्रांसमिशन इन वन वेवलेंथ, ये क्या होता है, वन वेवलेंथ, क्लियर, वन वेवलेंथ या वन टाइम पीरियड बोल दो, यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है टी, ठीक है, तो इन वन वेवलेंथ बोलेंगे हम, तो इन वन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, पी एवरेज, तो पी एवरेज बराबर, अब देखो इसका एवरेज वैल्यू चाहिए हमें, है ना, इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये फंक्शन होते हैं, तो हमेशा इनकी वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए इनकी वैल्यू हाफ, एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो यहां पे ये आ जाएगा हाफ, तो ये बन जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी वेव वेलोसिटी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक। देखो बेटा अभी हमने एवरेज पावर ट्रांसमिटेड देखा है ना, पी एवरेज कितना आया, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ये आया ना कितने में, इन वन वेवलेंथ, मतलब इतना वेवलेंथ बनने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आया ये, तो इन वन टाइम पीरियड, फिर से समझना ध्यान से, इन वन टाइम पीरियड मतलब इतने में वेवलेंथ बन जाएगी, तो इन वन वेवलेंथ टाइम इंटरवल ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक, मतलब वो टाइम इंटरवल जिसमें एक वेवलेंथ बन जाती है, एक वेव प्रोड्यूस हो क्रिएट हो जाती है, उतने टाइम में यहां से कितना पावर ट्रांसमिटेड हुआ होगा, क्लियर, वो हम निकाल रहे थे, तो हमने बोला पी एवरेज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी इन वन टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में एवरेज पावर ट्रांसमिशन इतना आया, या हम इसी में बोल सकते, देखो यही इसमें जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई होगी वो एनर्जी भी यहां पे आई है, देखो इतनी जगह में, है ना, तो ये वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस है, तो रस्सी की वेवलेंथ के बराबर जो लेंथ है उसी में ये पूरी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो यहां पे भर गई होगी पूरी रस्सी में एनर्जी, भर गई कितने टाइम में ये एनर्जी आई, कैपिटल टी टाइम में, मतलब टाइम पीरियड के बराबर टाइम में, कैपिटल टी, क्लियर। अब समझो ध्यान से थोड़ा सा और, एवरेज निकाला कैसे मैंने, इसका स्नैपशॉट ले लिया, इसका स्नैपशॉट ले लिया, तो एक्स की वैल्यू या एक्स बराबर यहीं से मान लिया कि ये वाला पॉइंट यहां पे है एक्स बराबर जीरो पे, तो एक्स बराबर जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म, अब ओमेगा टी क्या बचा, ओमेगा टी बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो टाइम की लिमिट लेके कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट करो, आपको पता होगा कि एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है मान लो, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, यही तो होती है, याद करो ये होता था एवरेज वैल्यू निकालने का, तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ऑल्टरनेटिंग करंट में खूब बताया है तो अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार इसको, तो ये हाफ होती है इसकी वैल्यू, रख दी हमने ये आ गए, ठीक। अब समझना ध्यान से, ये तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आ गया वन टाइम पीरियड में, अब थोड़ा सा ध्यान दो, हमें पढ़ना है एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी ट्रांसमिटेड, अभी पावर ट्रांसमिशन सीखा हमने, अब एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन वेवलेंथ, ये ध्यान रखना आप, मतलब रस्सी की वन वेवलेंथ लेंथ जो होती है इतनी लेंथ, इसमें कितनी एवरेज एनर्जी स्टोर होती है, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक। चलो तो क्या लिखे हम, अब हम जानते हैं ई एवरेज मतलब एनर्जी एवरेज बराबर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी एवरेज मतलब पावर, पावर बराबर होता है एनर्जी एवरेज अपॉन टाइम, लेकिन टाइम तो मैंने टाइम पीरियड के बराबर लिया है, तो फिर इसमें टी से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, तो फिर ई एवरेज आ जाएगा, ई एवरेज बराबर क्या हो गया, पी एवरेज इनटू टाइम पीरियड, पी एवरेज क्या है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी वेव वेलोसिटी और इनटू टी। अब ये बताओ v इंटू टी क्या होता है, लैम्डा, कैसे पता, देख लो लैम्डा बराबर v बाय n, सबको पता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और n बराबर 1 अपॉन t, तो v इंटू टी यहां रख दो, तो e एवरेज
बराबर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी इंटू टी की जगह पे लैम्डा। तो ये क्या आ गई पहले तो ये बताओ, यहां लिखोगे आप एनर्जी ट्रांसमिटेड इन स्ट्रिंग इन लैम्डा लेंथ इन वन वेवलेंथ, ये लिखना है इसमें एनर्जी ट्रांसमिटेड इन स्ट्रिंग इन वन वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस, ये भी आपको याद रखना है। देखो बेटा हम लोगों ने अभी क्या सीखा, अभी मैंने क्या निकाला था रस्सी की जो वन वेवलेंथ होती है उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो ये है टोटल हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा, क्लियर। अब हमें निकालना है रस्सी की जो वन वेवलेंथ है उसमें सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी है सबके पास, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो चलो देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन वेवलेंथ। तो सबसे पहले तो मैंने माना देखो रस्सी ये थी, ये रस्सी थी और फिर हमने इसमें वेव प्रोड्यूस कर दी, तो देखो वेव ऐसे बन गई, क्लियर, जो कि ऐसे जा रही है, वेव वेलोसिटी वी है। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखो यहां पर एक पार्टिकल देखा, एक छोटा सा पार्ट लिया यहां पर, तो यहां पे जो पार्टिकल था वो अभी यहां है, देखो कितना ऊपर है, वाई ऊपर है, और ये पार्टिकल एक्चुअली में था यहां पर, समझना इसको ध्यान से, ये वाला मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये है रस्सी, क्लियर, जबकि रस्सी ऐसी थी पहले वी वेलोसिटी से, फिर वेव बनाई मैंने, तो रस्सी में यहां पे कोई पार्ट लिया मैंने डीएक्स, छोटा सा पार्ट यहां से एक्स डिस्टेंस पे लिया, और ये पार्ट की लेंथ क्या है, छोटी सी लेंथ है डीएक्स, और ये ऑसिलेट कर रहा था, तो ये पार्ट यहां पहुंच गया, देखो यहां पर ये पार्ट यहां आ गया। अभी इसकी वेलोसिटी, तो यहां देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो इसकी वेलोसिटी होगी ये वीपी, पता है ना वीपी, जहां इसका ये डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो वीपी बराबर कैसे निकालोगे, तो हमें पता है वाई बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो वेव इक्वेशन होती है, तो फिर इसकी वेलोसिटी वीपी कैसे निकालोगे आप, तो वीपी बराबर क्या होता है डेल वाई अपॉन डेल टी, जहां एक्स को हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गई इस पार्टिकल की वेलोसिटी। अच्छा इसका मास बताओ, तो मास ऑफ डीएक्स पार्ट, मास ऑफ डीएक्स पार्ट, यार इसको तो बड़ा सरल है, ये तो हम डीएम मान लेंगे, और डीएम अगर मुझे देखो इसकी लेंथ है डीएक्स और मास कितना है डीएम, और मास पर यूनिट लेंथ रस्सी का कितना होता है स्ट्रिंग का म्यू, तो डीएम बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डीएक्स, तो फिर इस छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी डेल के बराबर, या डी के, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी है, तो डी के बराबर हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, सही है ना। अब वी कौन सा, वीपी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये देखो डी के बराबर हाफ डीएम को क्या लिखोगे आप, म्यू इंटू डीएक्स, और वीपी पार्टिकल की वेलोसिटी को ये लिखोगे इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर। आई थिंक इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी के कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन, तो देखो यहां पे हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसको कर दिया बाहर, और ये देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें एक लाइन खींच दे रहा है ऐसी, और ये देखो डीएक्स, ये डीएक्स, और इसको करो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका यहां ये डीएम वाला मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, सिंपल सा है, डीएम की वैल्यू म्यू इंटू डीएक्स। अब देखो ये हो गया, अब लिमिट जीरो टू लैम्डा, सही बात है, जीरो टू एक लैम्डा में कितनी वो है एनर्जी, वही तो निकालनी है, तो जीरो टू लैम्डा इंटीग्रेट करोगे आप। थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, देखना टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ये तो ठीक है जीरो टू लैम्डा, मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं इंटीग्रेशन जीरो टू लैम्डा डीएक्स, और यहां मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं इंटीग्रेशन
जीरो टू लैम्डा इंटू डी एक्स कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस टर्म को देखो, ये वाला टर्म जो है ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का एवरेज है। इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज है एक साइकिल के लिए जीरो टू लैम्डा के लिए, एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर लैम्डा के लिए एवरेज, इसका एवरेज हाफ होता है, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो यहां के बराबर हो जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी पूरे की हाफ, तो ये तो हो गया हाफ, और इंटू ये कितना आएगा, ये तो लैम्डा आएगा, सही है, वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के इतने में पूरे में काइनेटिक एनर्जी के एवरेज बराबर हो गया वन बाई फोर, देखो वन बाई फोर आ जाएगा, और ये म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा। जरा गौर करो इस पे, टोटल एनर्जी जो थी, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वन वेवलेंथ की थी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी देखो वन बाई फोर म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, मतलब टोटल एनर्जी की हाफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, तो देखो यहां पे पोटेंशियल, ये ध्यान रखना ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन वेवलेंथ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन वेवलेंथ, ये फॉर्मूले जिनको याद होंगे वो क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान रखना इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, मतलब ये सब ठीक है। वन वेवलेंथ, तो ये इसको हमने यू मान लिया, तो यू बराबर टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो उतनी ही आने वाली है, इसमें से ये सबट्रैक्ट करो इतना ही आ जाएगा, तो 1 बाई फोर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ठीक, फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्लियर। देखो बेटा अब हमें रस्सी में जो वेव ट्रेवल करती है उसमें कितनी इंटेंसिटी होती है, आपको पता है हर वेव इंटेंसिटी मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले चैप्टर में, ठीक, रेडिएशन प्रेशर में, ठीक, उसमें इंटेंसिटी खूब अच्छे से बताया था क्या होता है, यूनिट एरिया से एक सेकंड में गुजरने वाली एनर्जी, सही है। तो अब मैंने वही स्ट्रिंग को थोड़ा मोटा बना दिया है, ठीक, जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो स्ट्रिंग का ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने माना एस है, क्या एस क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, और फिर मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया इसका, देखो ये कितना डी एक्स, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, तो पहले तो ये बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटेंसिटी बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर, ठीक, तो पावर अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि हमें यूनिट एरिया चाहिए ना, तो एरिया डिवाइड कर देंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या माना है एस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने स्ट्रिंग का एस मान लिया है, ठीक, और ये देखो डीएक्स लेंथ, और इतना एक पार्ट बन गया, देखो ये पार्ट बन गया डीएक्स लेंथ का पार्ट। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एस इंटू डीएक्स, है ना, सही है। अच्छा अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इंटेंसिटी बराबर ये होता है, तो इंटेंसिटी आई बराबर पावर का फॉर्मूला बताओ, अभी डिराइव किया था एवरेज पावर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, वी क्या है वेव वेलोसिटी अपॉन एरिया, एरिया क्या है इसका एस, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया एस। अब यहां देखो हम इस टर्म को डिफाइन कर रही है टर्म, वॉल्यूम एस इंटू डी एक्स होगा, सही बात है, मैं म्यू अपॉन एस इसको डिफाइन करना चाहता हूं, तो पहले बताओ म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो इतने इतने पार्ट का मास क्या होगा, तो इतने पार्ट का मास होगा डीएम मान लो, है ना, मास पर यूनिट लेंथ तो अपॉन डीएक्स, सही बात है, इतने पार्ट का मास मैंने डीएम मान लिया, तो लेंथ कितनी है डीएक्स, तो डीएम बाई डीएक्स हो जाएगा म्यू, और नीचे देखो ये एस, अब डीएम बताओ इसका डीएम क्या होगा, तो डीएम बड़ा सिंपल है मास चाहिए ना, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या है एस इंटू डीएक्स इंटू रो, डेंसिटी रो मानी, रो डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना, तो ये देखो डीएम हो जाएगा एस इंटू डीएक्स मतलब वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी, और अपॉन ये एस और ये डीएक्स, सही है, तो देखो ये डीएक्स से डीएक्स खत्म, एस से एस खत्म, मतलब ये तो रो हो गया, तो म्यू अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, मास पर यूनिट लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या होता है डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, रख दो यहां पे, तो इंटेंसिटी बराबर हो गया
हाफ म्यू सॉरी हाफ म्यू बाई एस की जगह पे रो ए स्क्वायर, जहां ए क्या है एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना ए क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है, ए लिखो एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दो ए को, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, नोट नोट में क्या है, नंबर एक अगर मैं पी एवरेज की बात करूं पावर एवरेज तो प्रोपोर्शनल होगा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, हा ये है हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, यही तो है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कब, व्हेन व्हेन म्यू मतलब रस्सी एक ही हो तो म्यू सेम हो जाएगा, रस्सी अगर एक ही है तो म्यू सेम हो जाएगा, और अगर म्यू सेम है और टेंशन सेम है मतलब एक ही रस्सी है तो फिर वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, है ना। तो व्हेन म्यू एंड वी आर सेम, ठीक, तो ये पावर एवरेज, ये इसके प्रोपोर्शनल। नंबर टू देखो इंटेंसिटी एवरेज आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन अगर क्या कांस्टेंट रहे रो एंड वी, तो इसमें लिख देते हैं रो एंड वी आर कांस्टेंट मतलब सेम, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये बहुत, ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, सीधी सी बात ये है, क्लियर, ये बहुत जरूरी है फॉर्मूले याद, जिसको नहीं होंगे उसको दिक्कत होगी। देखो बेटा ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कह रहा है कि आ स्ट्रिंग विद अ लीनियर मास डेंसिटी मतलब म्यू हो गया इज अंडर अ टेंशन ऑफ 80, टेंशन हो गई, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग, मतलब हम जो यहां पे स्ट्रिंग होगी इसको कितना पावर यहां से सप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक पल्स वो, ताकि एक वेव बन जाए, जनरेट अ साइनसॉइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो एन हो गया फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, देखो ये ए हो गया, कह रहा है इतना बताओ कितनी पावर देनी पड़ेगी, तो पावर का फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी, देखो म्यू हमें दिया है, एम्पलीट्यूड हमें दिया है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला स्ट्रिंग में क्या होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, तो देखो टेंशन दिया है और म्यू दिया है, ठीक, और ओमेगा, अब फ्रीक्वेंसी एन दी है तो ओमेगा बराबर टू पाई एन, क्लियर, इसको रख दोगे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, टू वेव्स इन सेम मीडियम, देखो ध्यान से सेम मीडियम, मीडियम सेम है मतलब म्यू सेम है रो सेम है, ठीक, तो और स्पीड ऑफ साउंड सेम होगी, आर रिप्रेजेंटेड बाय वाईटी कर्व्स, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटीज, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, अब म्यू सेम है रो सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, डेंसिटी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि मीडियम सेम है, किस पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, आई प्रोपोर्शनल अभी लिखा था मैंने इसके पहले ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आई वन अपॉन आई टू रेशियो पूछ रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा बाकी बचेगा ए वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर, एम्पलीट्यूड देखो रेशियो दिया है आई फर्स्ट वाली वेव का ए वन है फाइव, तो ए वन हो गया फाइव ए टू हो गया टू, ये दिया है एम्पलीट्यूड। अब जरा फ्रीक्वेंसी देखो, तो बेटा यहां से यहां तक का टाइम देखो, टाइम यहां से यहां तक टाइम सेम है दोनों के लिए, लेकिन जरा देखो इसकी बड़ी फर्स्ट वाली वेव, जो फर्स्ट वाली वेव है उसका एक ही ऑसिलेशन हुआ है, और जबकि इसके देखो उसी टाइम में दो ऑसिलेशन हो गए, देखो एक ये और एक ये, मतलब सेम टाइम में बड़ी जो वेव वन है उसके बाई ऑसिलेशन है एक, और छोटी वाली वेव जो है उसके ऑसिलेशन है दो, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल है किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी एन डबल है मतलब ओमेगा डबल है, क्योंकि ओमेगा बराबर टू पाई एन, तो एन डबल तो ओमेगा डबल, मतलब कि ओमेगा वन को अगर मैं ओमेगा मान लू इस वाली बड़ी वाली वेव का, तो फिर ओमेगा टू जो है वो होगा टू ओमेगा डबल होगा, छोटी वाली वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल है, तो रख दो इसमें तो बराबर ए वन स्क्वायर, तो ए वन स्क्वायर देखो फाइव है तो 25 अपॉन ए टू स्क्वायर, टू का स्क्वायर मतलब फोर इंटू ओमेगा वन स्क्वायर को मैं ओमेगा स्क्वायर ले रहा हूं, तो ओमेगा टू स्क्वायर को यहां टू ओमेगा स्क्वायर मतलब फोर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म, ये हो गया 25 बाय 16, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले की बात है, जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो कर... देखो बेटा अभी हमने स्ट्रिंग वेव की इंटेंसिटी पढ़ी है ना, पावर ट्रांसमिटेड पढ़ा,
अब हम लोग बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला साउंड वेव के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। तो देखो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो फिर वही पूरा आपको याद होगा, यहाँ पे एयर होती है और ये हमने एक सिलेंडर लिया है जिसमें पिस्टन लगा है, पिस्टन को हम ऐसे ऐसे मूव कराते हैं तो यहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे किसी एक क्रॉस सेक्शन पे हम पहुंचे जो कि देखो यहाँ x बराबर जीरो और ये x इक्वल x, तो x इक्वल x पे हमने क्या देखा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया ए है, देखो ये ए क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखना ए एम्पलीट्यूड नहीं है, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड, यहां पे एम्पलीट्यूड होता है एस नॉट, याद होगा डिस्प्लेसमेंट क्या मानते थे हम, एस मानते थे, है ना, जैसे इसके डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, वैसे हर क्रॉस सेक्शन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक। तो यहां पे इस क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी मैंने मान ली वीपी, अब यहां पे ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पे नेट फोर्स क्या होगा, हमें पावर निकालना है, पावर बराबर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो नेट फोर्स इस पे जो होगा वो होगा डेल्टा पी, मतलब याद करो प्रेशर में चेंज होता था तो चेंज इन प्रेशर, नेट फोर्स जो लगेगा वो चेंज इन प्रेशर की वजह से लगेगा ना कि ओरिजिनल प्रेशर की वजह से लगेगा, तो नेट फोर्स यहां पे जो होगा वो चेंज इन प्रेशर एट एक्स इक्वल एक्स, मतलब डेल्टा पी मान लेते हैं, और इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी कितनी है वीपी, किसकी वेलोसिटी, नॉट वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, याद है ना, क्योंकि जिस पे फोर्स लगता है उसी की वेलोसिटी लेते हैं पावर में, पार्टिकल वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी वी, है ना, अंडर रूट वेव वेलोसिटी अंडर रूट, देखो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, याद है ना न्यूटन्स लॉ। तो चलिए यहां पे पावर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर एफ डॉट पी, एफ की जगह पे मैं लिखूंगा देखो डेल्टा पी इंटू ए इंटू वी, मतलब वी मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, तो वीपी और कॉस जीरो क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है वेलोसिटी भी यहीं पे है तो कॉस जीरो हो गया मान लिया मैंने, तो यहां प्रेशर का ये ध्यान रखना ये पावर है और ये चेंज इन प्रेशर है, तो पावर बराबर हो गया डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया इंटू वीपी। अब बेटा डेल्टा पी ये तो आपको याद होगा प्रेशर इक्वेशन, तो प्रेशर इक्वेशन में मैंने क्या लिखा था डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, कॉस ओमेगा टी सॉरी माइनस के एक्स, ठीक है, यहां पे कॉस होता था याद करो, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्रेशर इक्वेशन इससे पाई बाई टू फेज में आगे होती है याद करो, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होगी तो इससे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको टी के रिस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट लेके, तो एक्स नॉट ओमेगा बाहर और ये साइन इसका हो जाएगा कॉस, तो क्लियर। तो यहां पे पी की जगह पे मैंने ये डेल्टा पी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा पी मैक्स कॉस ओमेगा टी माइनस पीएक्स, और एम्पलीट्यूड जो है वो सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया है ए वो यहां लिख दिया, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये हो गया एस नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस पीएक्स, तो देखो ये cos ओमेगा t माइनस kx cos ओमेगा t माइनस kx स्क्वायर हो गया, और यहां पे देखो s नॉट a ओमेगा डेल्टा p मैक्स ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये हो गया पावर, अब एवरेज पावर चाहिए तो हमें याद करो स्ट्रिंग में भी एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन वन ऑसिलेशन मतलब वन टाइम पीरियड, तो वही मैंने यहां पे भी लिखा है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन वन टाइम पीरियड, तो इसका एवरेज स्क्वायर फंक्शन है cos का और एक टाइम पीरियड के लिए इसका एवरेज होता है हाफ, तो ये देखो हट गया ये हाफ आ गया एवरेज पावर आ गया। अब इसके पहले जस्ट फॉर्मूला बताया था इंटेंसिटी बराबर क्या होता है पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया याद है, तो यहां पर आई एवरेज क्या हो जाएगा पी एवरेज ये लिखा है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया, तो एरिया से एरिया खत्म हो जाएगा देखो हाफ एस नॉट ए इंटू यहां पर डेल्टा पी मैक्स हो रहा है ये हाफ एस नॉट ओमेगा डेल्टा पी मैक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका इंटेंसिटी एवरेज का ये याद रखना है। अब इसी में कुछ नहीं है इसी में आप एस नॉट को हटा दो ओमेगा को हटा दो बस, तो देखो कैसे हटाते हैं, तो सबसे पहले तो के बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन वी याद है, तो फिर इससे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा के वी सिंपल। अब देखो बेटा यहां पर तो यहां पर ये हो गया आई इंटेंसिटी बराबर हाफ रो वी इंटू एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ये कैसे आया, तो यहां पर मैंने क्या किया है एस नॉट इंटू ओमेगा और ये डेल्टा पी मैक्स, डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू क्या होती है बी एस नॉट के सबको पता है याद करो कल के लेक्चर में बताया था, तो यहां पे डेल्टा पी मैक्स की जगह पर रख दिया हमें बी बी एस नॉट और के ठीक है, तो एस नॉट और ये एस नॉट था एस नॉट स्क्वायर हो गया
ओमेगा था देखो ओमेगा स्क्वायर हो गया और के को हटा दिया हमने, तो के को हटा दिया तो ओमेगा अपॉन वी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो रो, यहां से रो आएगा ठीक, तो रो बी और ओमेगा के फॉर्म में और एस नॉट रखा है उसके फॉर्म में ये इक्वेशन ले आए हम, यहां से हमने रिप्लेस कर दिया इनको। अब देखो हाफ रो बी फिर से क्या करो, एस नॉट ओमेगा स्क्वायर, देखो हाफ रो बी को ऐसी रहने दो और यहां पे देखो हमने क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर को ऐसी डाल दिया और एस नॉट स्क्वायर को फिर से रिप्लेस कर दिया, किससे ये लिखा है देखो एस नॉट स्क्वायर, तो एस नॉट स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर और ओमेगा को फिर यहां रख दिया के बी, देखो ये ओमेगा को के बी और यहां डेल्टा, यहां पे देखो नीचे क्या आएगा, अब बी को फिर हटा दिया, बी को इस इक्वेशन देखो रो बी स्क्वायर तो बी को और ये होल स्क्वायर, तो यहां पे रो स्क्वायर बी की पावर फोर हो जाएगा और के का होल स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा इंटेंसिटी बराबर डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू रो वी, कितना सिंपल है यार, सिर्फ हमें रिप्लेस करना है यहां से वैल्यूज को। तो आई थिंक इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा हमने अभी इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला सीख लिया है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला या तो आप हाफ रो बी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो या फिर यहां से डेल्टा पी मैक्स से रिप्लेस कर सकते हो इनको, तो डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू रो बी ये लिख सकते हो, जहां पे ध्यान रखें डेल्टा पी मैक्स आपको पता है क्या है, मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर, एस नॉट क्या है जो पार्टिकल्स हैं किसी भी लेयर के उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, क्लियर ओके। तो अब हमें यह समझना है कि इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है आई एंड एस नॉट, एस नॉट होता है ना मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, तो सोर्स से लाइट निकलती है या सॉरी सोर्स से साउंड निकलता है, अब साउंड जब निकलता है तो आगे जाता है, तो आगे क्या बदलता है मीडियम में आगे जाता है साउंड, तो इंटेंसिटी कम होती जाती है और पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो भी कम हो जाता है, ठीक। तो वो कैसे, अच्छा डेल्टा पी मैक्स भी, चलो आगे मैंने क्या बोला, जब साउंड चलता है तो प्रेशर वेरिएशन होता है अलग अलग जगह पे, है ना, कंप्रेशंस में सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर होता है, रेयर फैक्शन में सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर होता है, कंप्रेशन में मैक्सिमम हो जाता है प्रेशर बढ़ जाता है मतलब, और कंप्रेशन रेयर फैक्शन में डिक्रीज हो जाता है कम, तो एम्पलीट्यूड है दोनों जगह पे, चाहे प्रेशर बढ़े मैक्सिमम या घटे मैक्सिमम दोनों ही प्रेशर के एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो यहां पर हमें क्या सीखना है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एस नॉट एंड डेल्टा पी मैक्स, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो एंड डेल्टा पी मैक्स, मतलब प्रेशर का जो चेंज होता है वो मैक्सिमम चेंज कितना होता है उसका वेरिएशन विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, क्लियर। तो हमने मान लिया कि हमारे पास सोर्स है उसका पावर पी है, तो तीन केस हो सकते हैं इसमें देखो, फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर लाइन सोर्स एंड फॉर प्लेन सोर्स। चलो तो पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहले पॉइंट सोर्स के लिए ये बताओ, ये सोर्स है देखो, है ना, पॉइंट सोर्स ये हो गया, अब इससे साउंड निकल रहा है देखो, ऐसे साउंड जा रहा है, मान लो ऐसे निकल रहा है साउंड, चारों तरफ जाएगा वो तो सिमेट्रिकली साउंड निकल रहा है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक सब जगह जाएगा ना साउंड, तो इससे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर यहां पर एक स्फीयर बनाओ, आप क्या बनाओ स्फीयर, चलो बना दिया हमने स्फीयर, अच्छा अब बेटा इस स्फीयर का एरिया देखो, यहां से इसका पावर क्या है, पहले तो पी है, इसका मतलब क्या होगा, इससे एक सेकंड में पी एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी जो निकलेगी एक सेकंड वो स्फीयर्स में आगे बढ़ती जाएगी स्फीयर्स के फॉर्म में, तो इस स्फीयर का जो एरिया है उस एरिया पर यहां से एक सेकंड में जो एनर्जी निकल रही होगी वो एक साथ गिरेगी क्योंकि सिमेट्रिक है पूरा स्फीयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी पता करूं, यहां इस जगह पर इंटेंसिटी, तो देखो इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, ठीक। तो बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है पावर अपॉन एरिया, ये तो होता है, पावर कितना होगा इसका पी, पावर तो इसका पी होगा अपॉन एरिया, अब एरिया देखो 4 पाई आर स्क्वायर है ना,
ये जो एनर्जी पर सेकंड इंटेंसिटी होता है, एनर्जी पर सेकंड वो तो पावर होता है, तो इस पे एनर्जी पर सेकंड कितना आएगा, पावर की बराबर, और अपॉन यूनिट एरिया में एनर्जी वो होता है इंटेंसिटी, एरिया डिवाइड, तो अपॉन 4πr2। अब पावर तो कॉन्स्टेंट रहता है ना, तो फिर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r2। इतनी बात समझ में आ गई, ये आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब इसी में ये तो इंटेंसिटी का आ गया, ध्यान रखना ये पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r2। अब बेटा अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी की जगह पे ये फॉर्मूला डाल दूं और एक बार ये फॉर्मूला डाल दूं, फर्स्ट और सेकंड डालो, तो इंटेंसिटी की जगह पे अगर तुम ये वाला फॉर्मूला डालोगे तो हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो फ्रॉम इसी में लिखना है आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटेंसिटी की जगह पर यह पूरा लिख दो, तो इसमें हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो क्या आएगा एस नॉट स्क्वायर, यही तो बचेगा, प्रोपोर्शनल 1/r2। ठीक, तो फिर इससे क्या पता चल गया हमें, देखो कितनी अच्छी बात पता चली, एस नॉट प्रोपोर्शनल 1/r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एम जो इंटेंसिटी है वो 1/r2 के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है आर डिस्टेंस पे, यहां पर जो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड एस नॉट प्रोपोर्शनल 1/r होगा, समझ गए। ओके, तो ये दोनों इसी में लिखना है, ऐसे तुम डेल्टा पी मैच डाल दो आई की जगह पे, अगर तुम डेल्टा पी मैच डाल दोगे तो फ्रॉम फर्स्ट तो ये हो गया, और फ्रॉम सेकेंड देखो 2ρv कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r2। तो फिर इससे ये भी आ गया डेल्टा पी मैक्स प्रोपोर्शनल 1/r, बिल्कुल सही है, जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो वहां डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही तो प्रेशर चेंज होता है, तो डेल्टा पी मैक्स भी प्रोपोर्शनल 1/r आएगा, तो ये पूरा फॉर पॉइंट सोर्स हो गया है। चलो अब देखते हैं फॉर लाइन सोर्स, तो बेटा लाइन सोर्स में मान लेते हैं ऐसा एक सोर्स है हमारे पास, ठीक ये सोर्स है, अब सोचो लाइन सोर्स अगर है तो इससे एनर्जी कहां जाएगी, ऐसे पूरी लाइन से निकलेगी, ऐसे 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 इससे, जैसे पॉइंट सोर्स से स्फीयर के फॉर्म में बढ़ रही थी, ऐसी लाइन सोर्स से सिलेंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ती जाएगी वो, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं आर डिस्टेंस पे चला जाऊं, मैं आर डिस्टेंस पे गया तो यहां पर जो अब क्या बनाओगे, यहां पे आप एक सिलेंडर बनाओगे, मतलब कि सिलेंडर बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो यहां से जो लाइट जाएगी, साउंड जाएगी सॉरी, वो ऐसे जाएगी, देखो सिमेट्रिकली सब तरफ ऐसे ऐसे, क्लियर। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, ठीक, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्स इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर जैसे यहां पे लिखा था सेम, पावर अपॉन एरिया, लेकिन एरिया कौन सा, इस सिलेंडर का एरिया आएगा, तो सिलेंडर का ये एरिया 2πrl, 2πr डिस्टेंस पे है ना, तो rl, अब देखो इसमें l कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r बचा, तो लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पर यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो आई प्रोपोर्शनल 1/r होगी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इंटेंसिटी कम होगी, ऐसे इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आर बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन बहुत तेजी से कम होगी क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड को यूज करो, तो फिर हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहां आई की जगह पे डालो एस नॉट स्क्वायर, तो यहां पे एस नॉट स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r, तो फिर एस नॉट प्रोपोर्शनल क्या आएगा 1/√r, मतलब एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल्स का आर डिस्टेंस पे वो 1/√r के प्रोपोर्शनल होता है, और थर्ड से भी बिल्कुल सेम यही आएगा, तो क्या आएगा डेल्टा पी मैक्स प्रोपोर्शनल 1/√r। ओके, तो ये हो गया लाइन सोर्स के लिए। अब चलो प्लेन सोर्स के लिए देखते हैं, प्लेन सोर्स का मतलब क्या है बेटा, प्लेन सोर्स का मतलब है ऐसा एक सोर्स, देखो इस सोर्स से सरफेस से यहां ऐसे लाइट जा रही है, ठीक ऐसे निकल रही है साउंड, सॉरी साउंड, तो अगर ऐसे साउंड निकाल रहे हो आप, तो देखो यहां से ए एरिया है इसका, ए एरिया,
अब आर डिस्टेंस पे अगर हम जाएं तो ये जो पूरी एनर्जी निकल रही है, देखो यहां से ये जो ए एरिया से जो पूरी एनर्जी निकल रही है आर डिस्टेंस पे, वो उसी ए एरिया में फैलेगी। देखो फील कर सकते हो, मतलब यही वाला जो ए एरिया है ना, वही जो पूरी एनर्जी, मतलब जो पूरा एक सेकंड की एनर्जी है वो इसी इसी में तो आएगी, जबकि ये एरिया और ये एरिया तो बराबर है। जबकि यहां देखो अगर मैं यहां से और डिस्टेंस पे जाऊं तो देखो ये और बड़ा स्फीयर बनेगा, मतलब इस स्फीयर के यूनिट सरफेस एरिया से और कम एनर्जी की एनर्जी निकलेगी, मतलब इंटेंसिटी यहां पे और कम हो जाएगी, जबकि यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटेंसिटी में। जितना ए एरिया से एक सेकंड में यहां से निकल रहा है उतना ही ए एरिया से यहां से निकल रहा है ना, मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आर की पावर जीरो। तो प्लेन सोर्स में इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए एस नॉट भी प्रोपोर्शनल आर की पावर जीरो, सही है। इसलिए डेल्टा पी मैक्स प्रोपोर्शनल भी आर की पावर जीरो, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती वो, क्लियर। आई थिंक इतनी बात सब लोग जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा ये दो क्वेश्चन से समझना ध्यान से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में, स्ट्रिंग और साउंड से क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल ही आते हैं, हम टफ कहां से ले आए, ठीक है, चाहे एडवांस में है चाहे मेंस में है सिंपल ही आता है। द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन अ साउंड वेव फ्रॉम अ रेडियो टावर इज 2 × 10⁻²। प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, ध्यान रखें तो मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी मैक्स कितना दिया है 2 × 10⁻³ N·m², क्लियर। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज, अब देखो इंटेंसिटी कितनी दी गई, आई 10⁻⁴ W·m², ये हमें इंटेंसिटी दी गई है। अब सुनो, इफ बाय ट्यूनिंग द वॉल्यूम नोब, वॉल्यूम का जो नोब होता है उसको हमने ट्यून किया और क्या कर दिया, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड टू इतना, तो देखो डेल्टा पी मैक्स 1 मान लो, ये इंटेंसिटी आई 1 मान लो। अब हमने क्या किया, डेल्टा पी मैक्स 2 वो कर दिया 3 × 10⁻³, 3 × 10⁻³ N·m², तो इवेल्युएट द इंटेंसिटी, कह रहा है आई 2 बता दो, क्या दिक्कत है, 2 रो वी ये क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है, क्यों मीडियम थोड़ी बदला हमने, वेलोसिटी मीडियम नहीं बदला तो डेंसिटी नहीं बदलेगी और इसलिए वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी, याद है ना, तो इसका मतलब सीधा खत्म हो गया, आई प्रोपोर्शनल डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा आई 1 / I 2 बराबर डेल्टा पी मैक्स 1 / Δ·P·max² 2 तो आई थिंक सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए ये बड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अ माइक्रोफोन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 cm², माइक्रोफोन है एक जिसका एरिया कितना दिया है ए 0.4 cm², कहां रखा है, देखो इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल स्पीकर, तो चलो भैया ये हमने माना स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर ये रखा हुआ है, ठीक। स्पीकर एमिटिंग पी वॉट, इसकी पावर कितनी है, देखो पी ये लिखा है, देखो पी वॉट ऑफ साउंड आउटपुट, इससे जो साउंड निकल रही है उसकी पावर पी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर इज 2 m, देखो इस स्पीकर से 2 m की डिस्टेंस पर, ये 2 m की डिस्टेंस पे यहां पर क्या रखा है, माइक्रोफोन, ये स्पीकर है यहां से माइक्रोफोन यहां रखा है, जिसका एरिया देखो कितना है, ये ऐसे रखा होगा, जिसका स्पीकर इज 2 m, हाउ मच एनर्जी फॉल्स ऑन द माइक्रोफोन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इस माइक्रोफोन पर कितनी एनर्जी गिरेगी, और देखो माइक्रोफोन का एरिया ये दिया है, मतलब ये चीज जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर कितना दिया है 0.4 cm². अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना, ये पॉइंट सोर्स है, ये आर डिस्टेंस पर देखो इस स्फीयर में इसकी पावर पूरी फैलेगी, मतलब ये कि इस स्फीयर के 4πr², देखो ये 4π ये आर मान लो, 4πr² एरिया में एक सेकंड में कितनी एनर्जी कितनी गिरेगी, जितनी इससे निकल रही होगी, और इससे कितनी निकल रही होगी एक सेकंड में, इसकी पावर के बराबर, मतलब कि यहां पर इस स्फीयर के
सरफेस पर एक सेकंड में जो टोटल एनर्जी गिर रही है वो कितनी है, पी है। मतलब यहां पर यूनिट एरिया में, ये यहीं पे इसी स्फीयर के पास में, इसी स्फीयर में छोटा सा पार्ट जो है ये वाला एरिया इतना, ये माइक्रोफोन का है, तो इसके यूनिट इसमें क्या करो, अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं, समझना ध्यान से। यहां यूनिट एरिया में, इस स्फीयर के यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही होगी, तो देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये तो फिर से ये इंटेंसिटी हो गई, मतलब यहां पर इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो तो यहां पे इंटेंसिटी हो गई ना, तो कितनी है ये देख लेते हैं, पावर पूरे स्फीयर में कितनी गिर रही, पी, तो यूनिट एरिया में कितनी गिरेगी, पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब इसके एरिया में कितनी गिरेगी एक सेकंड में, तो इसमें इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो कितना, 0.4 से मल्टीप्लाई, 0.4 × 10⁻⁴ कर लेना, और एक सेकंड में गिरेगी ये, तो 5 सेकंड में पूछ रहे हो, मतलब कि इस एरिया पर, यहां पर देखो इस एरिया पर गिरने वाली टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी बराबर यहां पर यूनिट एरिया में एक सेकंड में गिरने वाली एनर्जी, मतलब पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक सेकंड में गिरने वाली यूनिट एरिया में एनर्जी होगी, इंटू इसका एरिया ये ए, और इंटू ये टाइम, जो ये वाला टाइम है इसको मैं टी मान लेता हूं, बस खत्म, क्लियर। तो आई होप ये बात भी सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, पर हमारा टॉपिक चेंज हो गया है, हमें टॉपिक जो अगला पढ़ना है, साउंड वेव्स हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह के, पावर के। अब हम एक, जब हम आवाज सुनते हैं, जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं कि बहुत लाउड है ना, कभी हम कहते हैं कि ज्यादा लाउड नहीं है, कभी हम कहते हैं बहुत श्रिल साउंड है, मतलब कान को चुभती है साउंड, है ना, तो कभी लाउडनेस और चुभना अलग अलग चीजें हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं, तो समझो ध्यान से। सबसे पहले तो इसको जो मैंने लिखा है नोट में, तीन बातें ये समझो, ध्यान समझो, फॉर 1000 हर्ट्ज टोन, मतलब एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज है, इसको आप याद ना भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो 1000 हर्ट्ज की साउंड है, द स्मॉलेस्ट साउंड इंटेंसिटी, देखो ध्यान से सुनना, स्मॉलेस्ट साउंड इंटेंसिटी दैट अ ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इज, ये याद रखना बहुत जरूरी है, मतलब मनुष्य का जो ह्यूमन ईयर होता है वो कम से कम इंटेंसिटी कितनी डिटेक्ट कर सकता है, वो होती है 10⁻¹² क्लियर, मतलब अगर इतनी इंटेंसिटी है तो आपको बहुत कम फील होगा, नेग्लिजिबल फील होगा, मिनिमम, इससे अगर इससे भी कम इंटेंसिटी हो गई तो आपको फील ही नहीं होगा, ठीक, अच्छा ठीक है, और इसको बोलते हैं हम थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी विच कैन बी डिटेक्ट बाय अ ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे कान पे कंटिन्यू 1 वैट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी या इससे ऊपर कैन कॉज परमानेंट हियर लॉस, मतलब ये पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन बोलते हैं इसको, मतलब सोचो 1 वैट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इससे कितनी होनी है 10⁻¹² होना हो गया, 10⁻¹² टाइम्स इसका, 1 बहुत ज्यादा होती है 1 वैट पर मीटर स्क्वायर, तो ह्यूमन ईयर मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी बर्दाश्त कर सकता है 1 वैट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, इससे ज्यादा तो कान फट जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे, मतलब पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, ठीक, ओके अच्छा अब ध्यान से सुनो, तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग हमें, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी के इंटेंसिटी के करेस्पॉन्डिंग हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाउडनेस, ठीक, तो जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती जाती है तो हम बोलते हैं कि लाउडनेस बढ़ गई, बहुत लाउड साउंड है, क्लियर, तो हम एक नई क्वांटिटी, नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं जो किसके बेस पे डिफाइन हो रहा है, इंटेंसिटी के बेस पे, ध्यान रखना इंटेंसिटी के बेस पे नया टर्म डिफाइन हो रहा है लाउडनेस, ठीक
इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, टेन लॉग बेस टेन आई नॉट अपॉन आई, जहां पर आई नॉट, वेयर आई नॉट बराबर टेन रेज टू माइनस ट्वेल्व वेट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कॉन्स्टेंट, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है। और आई गिवन इंटेंसिटी है, गिवन इंटेंसिटी है, क्लियर, सॉरी यहां पे आई अपॉन आई नॉट होता है, ये आपको याद रखना है। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक। तो आई इंटेंसिटी के करेस्पॉन्डिंग लाउडनेस ये होगा, इसी को साउंड लेवल भी बोलते हैं, लाउडनेस या साउंड लेवल लिख लेना, ठीक। बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, अब थोड़ा ध्यान दो, द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब मनुष्य का जो कान होता है वो इंटेंसिटी को जब फील करता है, टू द ह्यूमन इज कॉल्ड लाउडनेस, मतलब हमारे कान को जो फील होता है इंटेंसिटी के बारे में, हम उसको बोलते हैं लाउडनेस, क्लियर। बस इतना सा सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, ये ध्यान रखना। ह्यूमन ईयर डू नॉट परसीव लाउडनेस ऑन अ लीनियर इंटेंसिटी, मतलब अब सुनो, मान लो इंटेंसिटी आई है और हमें लाउडनेस कुछ लग रहा है, अब इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो हमें उस इंटेंसिटी को डबल करने पर साउंड की लाउडनेस डबल सुनाई नहीं देगी, लॉगरिथमिक तरीके से ये वेरी करता है इंटेंसिटी को, ऐसा नहीं है लीनियरली तुम इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हो तो लाउडनेस भी उसी तरीके से वेरी करे, इंटेंसिटी डबल तो लाउडनेस डबल, नहीं, डबल इंटेंसिटी करने पर ह्यूमन ईयर को लाउडनेस डबल सुनाई नहीं देती। कैसे सुनाई देती है, क्या रिलेशन है इसका, ये लिखा है लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ लॉगरिथमिक रिलेशन है। सोचो ऐसा मनुष्य का मस्तिष्क, मतलब ब्रेन ही ऐसा होता है, लॉग के फॉर्म में काम करता है वो, सोचो अजीब सी बात है लेकिन होता है। तो इसके रादर इट परसीव्स लाउडनेस ऑन लॉगरिथमिक इंटेंसिटी स्केल, देखो इंटेंसिटी का लॉगरिथमिक स्केल दिया है लाउडनेस के लिए, इतनी बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर। अच्छा लाउडनेस का यूनिट क्या है, तो लाउडनेस का यूनिट लिख लेना, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डीबी, मतलब डेसीबेल, डेसीबेल बोलते हैं इसको, ठीक। चलो ये तो क्लियर है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड टू 20 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन साउंड लेवल या फिर लाउडनेस, देन What will be the increase in sound level, or loudness? एक ही बात है। तो अब तुम सोचो 20 times intensity कर दी, तो loudness 20 times नहीं होगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलो यहाँ पे दो केस कर लेते हैं। First case, second case। तो I initial intensity initial, इसको मैंने मान लेते हैं I। तो final intensity IF क्या होगी? 20 टाइम्स ऑफ आई, क्लियर। इनिशियल लाउडनेस मान लेते हैं L1 और फाइनल लाउडनेस L2, तो हमें निकालना क्या है L2 और L1 का डिफरेंस। तो पहले तो L1 का फॉर्मूला बताओ, तो L1 का फॉर्मूला हो जाएगा 10 log बेस 10 आई, देखो आई अपॉन आई नॉट, सही है। ऐसे इसका बोलो L2 का, तो 10 log बेस 10 और इसकी आई कितनी है 20 टाइम्स ऑफ आई, 20i अपॉन आई नॉट, सिंपल। तो बेटा L2 माइनस L1 हमसे पूछ रहा है, तो यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो L2 माइनस L1 इक्वल, करो सॉल्व इसको, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लॉग 20i अपॉन आई नॉट माइनस लॉग i अपॉन आई नॉट, सही है। अब देखो log m माइनस log n या log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल 10 और ये log, देखना ये अपॉन ये, मतलब log 20 बचेगा ये, ठीक, सही है ना। अब देखो जरा इसको, तो L2 माइनस L1 बराबर 10 और log 20 को मैं लिख देता हूं log 2 into 10 और उसका लिख दोगे आप log 2
प्लस लॉग 10 और इसका बेस क्या है दोनों का 1 है, ए 10 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लॉग 10 बेस सेम लॉग पे सेम बेस पे 1 वैल्यू क्या होती है 1, तो L2 माइनस L1 बराबर 10, ये क्या होता है 0.3010 और प्लस 1, तो ये हो गया 1.3010 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा L2 माइनस L1 इक्वल 1.3 मतलब 13.010, ये डेसीबल कितना आ गया। देखो मतलब क्या रिजल्ट निकला कि अगर आप इंटेंसिटी को 20 टाइम्स करते हो तो साउंड लेवल में जो इंक्रीज होता है पहले जो भी हो उसमें 13 डेसीबल का इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। देखो बेटा कह रहा है कि अ बर्ड इज सिंगिंग ऑन अ ट्री, अ पर्सन अप्रोचेस द ट्री एंड परसीव्स दैट द इंटेंसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 10 डेसीबल। तो यहां पे थोड़ा सही कर लो, इंटेंसिटी का यूनिट डेसीबल नहीं होता है, इंटेंसिटी लेवल कर लो या फिर लाउडनेस लिख दो, ठीक, इंक्रीज बाय 10 डेसीबल। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री। मतलब ये है कि यहां पे कोई बर्ड है और वो सिंग कर रही है, तो एक आदमी यहां चला रहा है पहले कितना R1 डिस्टेंस पे है, तो यहां पर उसको इंटेंसिटी मिली I1, फिर वो और पास आ गया मान लो R2 डिस्टेंस पे आ गया, ठीक, तो उसको इंटेंसिटी मिल गई I2, ठीक, और जब यहां इंटेंसिटी I1 थी तब इसका साउंड लेवल मतलब लाउडनेस थी बीटा 1 और यहां पे हो गई बीटा 2, क्लियर। तो कह रहा है कि इन जब ये वो पास में आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो साउंडनेस लाउडनेस भी बढ़ेगी, तो बोल रहा है कि बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना बढ़ गया 10 डेसिबल बढ़ गया बराबर 10, क्लियर। तो क्या कह रहा है कि इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस का रेशियो बता दो, ठीक, आर वन अपॉन आर टू बता दो, बता देंगे। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 बराबर 10 है, तो बीटा 2 का फॉर्मूला 10 लॉग बेस 10 रहता है आई अपॉन आई नॉट, तो आई टू अपॉन आई नॉट माइनस ये देखो 10 लॉग बेस 10 और ये I1 अपॉन I0 बराबर 10, तो देखो 10 10 कॉमन ले लो इसमें से, तो 10 कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा लॉग इतना माइनस लॉग इतना, तो लॉग a माइनस b, तो क्या हो जाएगा लॉग a अपॉन b, तो लॉग I2 अपॉन I0 अपॉन I1 अपॉन I0 मतलब लॉग I2 अपॉन I1 बचेगा, ठीक, तो ये हो गया और बराबर में क्या बचेगा 10, देखो ये खत्म, तो यहां क्या बचा 1 बचा, ठीक, मतलब कि ये हो गया लॉग देखो बेस 10 है I2 अपॉन I1 बराबर क्या 1 बचा, क्या करो इसका लॉग बना दो, तो यहां बेस जो होता है उसकी पावर पहुंच जाती है इस साइड, तो I2 अपॉन I1 बराबर 10 की पावर जो भी इस साइड लिखा है तो 1 है तो 10 ही हो जाएगा वो, तो ये हो गया। अब I2 अपॉन I1 हम जानते हैं बर्ड क्या है, इसकी पावर मान लो P है, बर्ड से जो बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं उसकी पावर P है, तो हमें पता है I पॉइंट सोर्स के लिए I बराबर क्या होता है पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सबको याद होगा ये है ना, तो I2 को हम क्या लिख देंगे देखो पावर अपॉन 4 पाई आर टू स्क्वायर, और अपॉन I1 को क्या लिख देंगे हम पावर अपॉन 4 पाई आर वन स्क्वायर बराबर 10, पावर पावर 4 पाई खत्म, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर बराबर 10, तो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट 10 खत्म, इनिशियल और फाइनल रेशियो आ गया डिस्टेंस का। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पॉइंट सोर्स के लिए हमने अभी प्रूफ किया है I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, तो I2 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R2 स्क्वायर और I1 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर आ जाता है, ठीक। अच्छा इसी में एक बात मुझे और बतानी है, जैसे मैंने बताया इंटेंसिटी का रिलेशन किससे है लाउडनेस से है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पिच से है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पिच से है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पिच से है। अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो तो पिच भी ज्यादा होती है, और श्रिलनेस एस एच आर आई डबल एल एन ई एस, श्रिलनेस मतलब होता है चुभना, मैंने बोला था, तो श्रिलनेस भी ज्यादा होती है, जैसे कि लड़कियों की आवाज बहुत श्रिल होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो बहुत चुभती है आवाज उनकी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगी और श्रिलनेस भी ज्यादा होगी। बुरा मत मानना मैं ऐसे मतलब नॉर्मल एक बात बोल रहा हूं, मैं ऐसा
ऐसे मतलब बोलने का मेरा कब कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं जो बहुत तेज बोलती हैं तो उनकी आवाज थोड़ी सी चुभती सी है, तो वही यहां पर एक हमें रिलेशन ये याद रखना है, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। तो बेटा इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी और लाउडनेस की, ठीक, तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, इंटेंसिटी अगर डबल हो जाए तो मेरे लिए भी डबल होगी, किसी और के लिए भी डबल होगी, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी डबल होगी, लेकिन लाउडनेस जरूरी नहीं है कि हम मैं कह रहा हूं कि ये साउंड बहुत लाउड है, हो सकता है कुछ लोगों को वही साउंड उतनी लाउड ना लगे जितनी मुझे लग रही है, तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, जबकि जबकि इंटेंसिटी सब्जेक्टिव मतलब मुझ पे डिपेंड करेगा कि मुझे लाउडनेस कैसी लग रही है, ज्यादा है या कम है, लेकिन इंटेंसिटी एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, वो सबके लिए सेम होगी, क्लियर। तो ये छोटी सी बात थी, आप लोग ध्यान रखना है। देखो द साउंड लेवल एट अ पॉइंट, क्वेश्चन है द साउंड लेवल एट अ पॉइंट इज इंक्रीज बाय 40 डेसिबल, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पॉइंट सोर्स है, उसका कह रहा है कि साउंड लेवल पहले मान लेते हैं बीटा था और फिर हो गया बीटा प्लस 40, क्लियर। तो इंटेंसिटी पहले इसके करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मान लेते हैं आई इनिशियल और फिर इसके करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मान लेते हैं आई फाइनल। तो फॉर्मूला लगा दो, पहले बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 लॉग आई इनिशियल अपॉन आई नॉट, और फाइनल वाला लगा दो बीटा प्लस 40 बराबर 10 लॉग आई एफ अपॉन आई नॉट। अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो बीटा प्लस 40 माइनस बीटा मतलब 40 बराबर 10 लॉग 10 इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसका इसका डिवाइड हो जाएगा, तो आई एफ अपॉन आई आई। अब सुनो इसमें लॉग बेस कितना है 10 है ना, अब इसका 10 तो इधर आ जाएगा तो 4 बचेगा और इसका लॉग हटा दो तो यहां मैंने क्या बोला था इस जो बेस होता है उसकी पावर में आ जाता है, तो 10^4 हो जाएगा और ये आई एफ अपॉन आई आई। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी मैक्स, डेल्टा पी मैक्स क्या है प्रेशर एम्पलीट्यूड याद है ना, अपॉन टू रो बी, तो रो और बी तो कॉन्स्टेंट है और टू बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि मीडियम थोड़ी ना बदल रहा है, पार्टी पास और दूर जा रहा है बस पार्टिकल, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू रो बी मतलब आई एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा पी मैक्स फाइनल का स्क्वायर अपॉन टू रो बी और आई इनिशियल हो जाएगा डेल्टा पी मैक्स इनिशियल का स्क्वायर अपॉन टू रो बी, ये आ जाएगा तो यहां पर टू रो बी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा, अब ये बचेगा तो इसका स्क्वायर बना दो 10^2 बचेगा, तो डेल्टा पी मैक्स फाइनल अपॉन डेल्टा पी मैक्स इनिशियल 100 मतलब फाइनल वाला जो होगा इनिशियल का 100 टाइम्स हो जाएगा। वही उसने पूछा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 100 टाइम्स हो जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड।